स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से खाद के लिए हाहाकार मच गया है। आधी रात से किसान कतार में लगे रहते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पा रही है। अररिया जिले में तो भगदड़ सा माहौल हो गया है, जिसमें कई महिलाएं भी जख्मी हो गई हैं। सूबे को जितनी मात्रा में खाद की जरूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है, लिहाजा हर जगह हंगामे की स्थिति नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इन महिलाओं की चीख पुकार सुनिए। बेसुध महिला को होश में लाने का यत्न देखिए। तस्वीरें अररिया जिले के नरपतगंज की हैं। गुरुवार को यहां जो कुछ हुआ वो प्रशासनिक बदइंतजामी का बड़ा नमूना था। पूरी कहानी तफसील से सुनिए। हाई स्कूल के इस मैदान में यूरिया खाद का वितरण होना था। खाद के लिए परेशान किसानों की ऐसी भीड़ उमड़ी मानो चुनावी रैली होने वाली हो। इतनी भीड़ जमा होने पर भी प्रशासन चैन की नींद सोया रहा। स्कूल का गेट जब खुला तो दाखिल होने के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें 8 महिलाएं जख्मी हो गई। भगदड़ के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आप जानकर हैरान होंगे कि मौके पर पहुंचे अधिकारी भगदड़ की बात से ही इनकार करने लगे। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये महिलाएं किस कदर जख्मी हुई वो आपकी नजरों के सामने है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कुछ महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। वो ये भी जानने को राजी नहीं हुए कि तड़के 3-4 बजे से किसान कतार में लग रहे हैं। इनके मुताबिक तड़के से बिचौलियों की भीड़ लगती है। नरपतगंज में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है और नरपतगंज हाई स्कूल ग्राउंड में हजारों किसानों की भीड़ यहां पर यूरिया के लिए जुटी हुई है। सुबह यहां पर जब गेट खुला उसके बाद भगदड़ मची, जिसमें करीब आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई, चोटिल हो गई। चूंकि भीड़ काफ़ी थी और उसमें जो है वो महिलाएँ दब गई, कई पुरुष भी दब गए। सभी घायलों का भी फिलहाल इलाज नरपतगंज अस्पताल में चल रहा है, जिसके बाद यहाँ अधिकारी लगातार पहुँचे हुए हैं सभी अधिकारी और यहाँ पर जो है खाद का वितरण करवा रहे हैं। सर, क्यों भगदड़ की स्थिति मच रही है इतनी? नहीं, सबसे पहले मैं आपके इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि कोई भगदड़ की स्थिति मची है। दरअसल खाद वितरण एक जगह हाई स्कूल में किया जाना था, क्योंकि दूसरी जगह का ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो किसान नहीं हैं वो खाद ले रहे हैं। इस आधार पर यहाँ पहचान के लिए पंचायत वाइज काउंटर बनाए गए हैं। हमारे 9 काउंटर बने हैं 9 पंचायत के लिए। तो इसमें यदि गेट खुला उस समय 2 महिला को हल्का चोट लगी है, उस गेट में थोड़ा सा उसके इलाज हो गया। वैसा यदि कोई सूचना आपको दिया है तो गलत सूचना दिया है कि भगदड़ मची है। और 9 काउंटर हमारे व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे सारी भीड़ लगी हुई है, सारे लोग किसान ले रहे हैं। जो हमारे पास खाद की उपलब्धता है उस उपलब्धता के अनुसार सारे को वितरण किया जा रहा है। अलॉटमेंट आ चुका है हमारे, अभी 2000 से ऊपर खाद होंगे यहाँ, तो 2000 के आसपास खाद यहाँ है हमारे पास, जैसी जानकारी प्राप्त हुई है DO साहब से। उसके बाद खाद की दिक्कत नहीं होगी। हम आगे से आज एक जगह वितरण कर दे रहे हैं। पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति, हमारे उर्वरक अनुश्रवण समिति की निगरानी में अब खाद का वितरण होगा। क्योंकि आम जनता से शिकायत मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग खाद ले रहे हैं कि जो कि वास्तविक रूप से किसान नहीं है। इस आधार पर उन लोगों को हम लोगों ने वास्तविक रूप से पहचानने के लिए यहाँ पंचायत के भी लोग आए हुए हैं और हमारे किसान सलाहकार से लेकर के अन्य पदाधिकारी भी लगाए गए हैं, ड्यूटी लगाया गया है सबको। रात से ही जब भीड़ हो जाती है काफ़ी, तो फिर प्रशासनिक इंतजाम क्यों नहीं रहता? नहीं, प्रशासनिक इंतजाम बखूबी की गई है, ज्वाइंट ऑर्डर भी निकला हुआ है, सबको इंतजाम किया गया। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासनिक कोई इंतजाम नहीं है, प्रशासनिक इंतजाम के तहत ही व्यवस्थित ढंग से वो अब 3-4 बजे भोर में आना कोई तूक नहीं है। और 3-4 बजे में किसान नहीं आते हैं, वैसे आते हैं, कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं। और मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि कोई दलाल टाइप के लोग किसान लोग जो लेते हैं और उसको वितरण करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई। एक आदमी को आज जेल भी भेजा गया है और पहचान की जा रही है। वैसे यदि कोई पहचान जाते हैं तो जेल भेजने का काम किया जाए। तो बिल्कुल अधिकारी यहाँ दावा कर रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही है वो इनके दावों के बिल्कुल उलट है।
अब दूसरी तस्वीर देखिए। नरपतगंज में एक दिन पहले मची भगदड़ के बाद प्रशासन सचेत हुआ और पुलिस की देखरेख में खाद वितरण की व्यवस्था की गई। महिलाओं और पुरुषों की अलग कतार लगवाकर खाद की बोरियां दी गई। आखिर ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? क्या भगदड़ मचने का इंतजार किया जा रहा था? में कल खाद को लेकर हुए भगदड़ के बाद प्रशासन आज होश में आया है और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही खाद के वितरण में जुटे हुए हैं। आज सुबह 6 बजे से अलग अलग पंचायतों में लाइन लगाकर वहां के जो भी पंचायत प्रतिनिधि थे उनको जिम्मा दिया गया और जिम्मा देने के बाद खाद पंचायतों में ही बंटवाया जा रहा है। हालांकि भीड़ काफी यहाँ पर जुट चुकी है, महिलाओं के की अलग लाइन है और पुरुषों का अलग लाइन है, लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी खाद की जरूरत है उससे बहुत कम आपूर्ति यहाँ पर की गई है। जो भी पंचायत है, पंचायत प्रतिनिधि, हम लोग पंचायत खैरा में पंचायत में खड़े हैं, पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो साथ में हैं। क्या स्थिति है खाद की आज? खाद का बहुत किल्लत है, पूरे किसान परेशान है। कितना बोरा खाद का कम से कम मिला है? कम से 110 बोरिया मिला था बोरा, इसमें किसान को भरपूर नहीं हो रहा है, पूरे किसान परेशान है ठंडी के कारण। कितने लोग होंगे अभी लाइन में? अभी कम से कम 300 आदमी लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ मात्र 98 बोरा है बचा हुआ है। 98 बोरा और यूरिया यहाँ बचा हुआ है। और क्या अधिकारी क्या बता रहे हैं कब तक यूरिया और आएगा? बता रहा है 1 से 2 रोज तक में यूरिया आ जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि को बोला आप लोग जाइए पंचायत में रह के किसान को बटवाई हो रही है और सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। तो अधिकारी भी लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन यूरिया की जो आपूर्ति है वो काफी कम हो रही है, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि खाद के लिए किसी एक जगह बवाल मचा है, कमोबेश हर जिले में एक जैसी स्थिति दिख रही है। बारिश के बाद किसानों को यूरिया खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन खाद की भयंकर किल्लत है। आप मधेपुरा की तस्वीरें देखिए। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने गुरुवार को नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और करीब 7 घंटे तक आवाजाही बाधित रही। किसानों का कहना है सुबह 5 बजे से कतार में लग रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। 5 बजे भोर से। अच्छा, आज 4 बजे से गेहूँ पटा हुआ है, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद हम लोग दिएंगे, हम असली किसान है। प्रबंधक आए थे, कुछ लोग यहाँ जो अपने में मारपीट कर लिया, जिसके वजह से सारे लोग त्राही त्राही है। हम लोग आशा करते हैं कि अगर एक एक बोरा ही सबको दिया जाए तो सब लोगों को लागू हो जाएगा। अच्छा, खाद नहीं मिला है? नहीं मिला अभी तक। क्या कह रहा है आजकल? कल तो भर दिन बैठे रहे भूखे प्यासे यहाँ पे, 2 बजे सुबह से शाम तक 2 बजे बटाई होगा, 20 बोरा बटा है यहाँ पे। 20 बोरा बटाई होने के बाद हम लोग खेलेंगे घर पे। आज बोला आने के लिए 10 बजे आए हुए हैं, फिर यहाँ पे 10:30 बजे आ गए। 2 बजे से भी काम चालू किया है और 4 बजे जाके कोन जगह जाए नहीं मिले। ये दिक्कत आई थी किसानों के द्वारा, आपस में काफी लड़ाई झगड़ा और हाथापाई की गई थी। हम लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार और गाली गलौज किया गया था, तो हम लोग पुनः थाना चले गए थे और वहाँ से प्रशासनिक सेवा बढ़ाई गई। उसके बाद हम लोग आए, अभी भी प्रशासन की निगरानी में वितरण करने के लिए हम लोग केंद्र पे मौजूद हैं। आपको जो प्रशासन के द्वारा आधार कार्ड जमा ली गई है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। पहले इन लोगों को हम लोग जितना खाद है उसमें पूर्ति करेंगे, इसके बाद जब हमारी मतलब खाद बचती है तो फिर नए किसानों का आधार कार्ड लिया जाएगा। वर्तमान में हमारे यहाँ DAP और मिक्सचर उपलब्ध है, साथ ही अन्य प्रोडक्ट में आपको नैनो यूरिया, जाइन, बोरोन और 18-18 NPK इत्यादि उपलब्ध है। तो मुख्य रूप से जो है यूरिया की अभी हमारे पास नहीं है उपलब्ध, लेकिन नैनो यूरिया उपलब्ध है, जिसकी भी आपूर्ति किसानों के बीच की जा रही है। बगहा की इन तस्वीरों में भी आपको कतार दिख रही होगी। सुबह 4 बजे से महिलाएं खाद के लिए इंतजार में हैं, इसके बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
इस समय हम बगहादो के बिस्कोमान में हैं और हम बता दें यहाँ पर जो किसान है वो खाद की किल्लत से परेशान है और यहाँ दो दिन से सुबह 4 बजे से ये लोग लाइन में लग रहे हैं खाद को लेकर, लेकिन इन्हें खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रही है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पर लंबी लाइन की कतार है और ये सभी जो किसान हैं ये सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और यहाँ पर महिलाओं की कतार भी हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुबह 4 बजे से महिलाएं भी लाइन में लगी हैं। एक महिला मेरे साथ हैं यहाँ पर बच्चे के साथ। क्या यहाँ पर जरूरत पड़ गई है कि आप बच्चे के साथ यहाँ पर आए? 4 बजे भोर से हम आए हैं खाद लेने के, ये बार तक ले हम नहीं मिला खाद, कब ले हम रहेगी। घर में कोई नहीं है कि आप आई हैं? ना, घर में कोई नहीं है, हम भी है खाली, बाहर है, गार्जियन बाहर है। क्या क्या दिक्कत है, कब से आप बुजुर्ग हैं? सवेरे से 4 बजे भोर से आयल बन जाए, 4 बजे भोर से। अच्छा, क्या आपके घर में पुरुष नहीं है? मालिक साहब लड़का को बाहर। आप बुजुर्ग हैं, खाद नहीं मिल रहा है ना। एक और बुजुर्ग है मेरे साथ, क्या दिक्कत है यहाँ पर? देखिए खादर का आई, कब से आयल बनी? 4 बजे से। 4 बजे से घरे लोग पुरुष लोग कहाँ बा? मालिक होले निकलने को बेटा बड़न तरह कमाए गोल बा। एक हमारे साथ यहाँ पर किसान है, क्या दिक्कत है, कब से आए हैं? 5 बजे भोर से आए हैं। 5 बजे भोर से आए हैं और चाची के साथ में लेकर आए, कल आए थे तो लौट के चल गए थे, वो नहीं मिला, बंद हो गया। आज आए हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी लाइन में है। तो हमारे साथ ये बगहा के तमाम किसान हैं जो बिस्कोमान में इनकी लंबी लाइन लगी हुई है और ये सभी परेशान हैं। कल से ही सुबह 4 बजे से ये लंबी लंबी लाइन लग रही हैं, पुरुष हो या महिलाएं हैं अपनी बच्चों को लेकर यहाँ पर लाइन पर खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी किसानों के लिए खाद की किल्लत बनी हुई है और यह बिस्कोमान से अभी तक इन्हें खाद मुहैया नहीं कराया गया है। मुंगेर जिले के असरगंज से हंगामे की तस्वीरें सामने आई। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। किसानों का कहना है 270 रुपए की जगह 700 रुपए में खाद दी जा रही है। खाद नहीं देंगे, 700 रुपया बोरा भी नहीं देंगे खाद। अच्छा, हंगामा तो उलट कर रहा है, 200 रुपया बोरिया दे रहा है, प्लस के उसमें भी धक्का मुक्की कर रहा है, मारपीट कर दिया दुकानदार, कहता है कि नहीं 700 भी हमारा मर्जी है, 800 रुपया भी हम देंगे। खाद का पैसा लिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, उनके अवैध लोग के मिल करके सारे किसान के साथ जो धक्का मुक्की किया है, यह दुकानदार ने बहुत अपराध किया है। किसान के पास समस्याओं का भंडार भरा हुआ है, सरकार इतना कठिन नीति बना दी है कि किसान टैक्स में धान देने को जाता है पैसा के लिए परेशान हो जाता है, पर साल 2-3 महीना के बाद पैसा आया था, इस बार भी वही है, खाली सरकार हल्ला करती है 48 घंटा में पेमेंट हो जाएगा, डीएम महोदया जांच करके गई कि 48 घंटा में पेमेंट हो जाएगा, कहाँ किसी का पेमेंट हो रहा है। दूसरा बात, जितना लक्ष्य दिया है पैक्स को, वो पैक्स आधा खरीद चुका है, अब किसी का CDR होता ही नहीं है, उससे बेसी देता ही नहीं है। तीसरी बात, DO ने जितना लक्ष्य निर्धारण करके दिया, जिला सहकारिता पदाधिकारी ने मनमाना रूप से लक्ष्य दिया है, जिसके उत्पादन क्षमता 1700 MT है उसको 700 MT दिया है, जिसको 3200 MT उत्पादन क्षमता है उसको 200 MT दिया है, कोई पारदर्शिता नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर तो और उलझा के रख दिया है। सरकार का बहुत ही ढुलमुल नीति है और बड़ा स्लो ढंग से ये चल रही है। पूरे मुंगेर जिले में लगभग 60,000 मैट्रिक टन जो है धान खरीदारी का जो है इनका लक्ष्य रखा गया था मुंगेर का, लेकिन अभी तक इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है कि मात्र 11,000 मैट्रिक टन जो है सिर्फ जो है अधिप्राप्ति कर सका है। और जो किसान हैं, सारे किसानों के पास अभी तक धान रखी हुई है, अभी वो तैयार नहीं कर पाए हैं, मात्र 1814 किसानों को ये गवर्नमेंट जो है पे कर चुकी है और बाकी किसानों को जो है अभी पेमेंट तक नहीं मिला है। सिवान जिले के मैरवा में भी सुबह से किसानों की कतार लग रही है।
खाद न मिलने से रबी की फसल प्रभावित हो रही है। नहीं सवेरे से मिला सवेरे से आइल बने काफी परेशानी होता वे तो हम भी अमल किए लोग दूर दूर से आए हैं खाद लेने के लिए परेशान हैं और लाइन कॉल भी बोल बता रहे हैं कि लगे हुए थे। अब रह गई बात की बहुत लोगों को बहुत तरह की परिस्थितियां हैं लेकिन सारी परिस्थितियां इस सरकार ने जो मशीन सिस्टम कर दिया गया है कि मशीन में सर्वर रहेगा यानी नेट रहेगा उसी के थ्रू दिया जाएगा या नहीं है जितना नेट में बताता है उस मशीन में कितना स्टॉक है कितना नहीं उसके मुताबिक लोग काम करते हैं तो इसलिए नहीं बटा है। सभी लोग कहे समझाए कि देखिए जो मशीन है दिखाए कि ये मशीन के मुताबिक ही सबको ये किया जाता है मशीन नहीं काम कर रहा है नेट तो कैसे वितरण होगा कि आज नहीं होगा और देखिए नेट तो अभी नहीं काम कर रही पूरे बिहार के ही परिस्थितियाँ। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए कतार में लगे किसान आपस में ही मारामारी कर रहे हैं। तस्वीरें सुपौल जिले के निर्मली की हैं। खाद के लिए किसान आधी रात से ही कतार में लग रहे हैं और इस दौरान मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लोगों को जो है ऐसी धारणा लग रही है कि खाद का स्कार्सिटी रहेगा खाद नहीं मिलेगा इस कारण से जो है लोग जो है रात में 12 बजे 11 बजे से आकर ही जो है लाइन में लग जाते हैं लेकिन खाद का कोई कमी नहीं है। सब अगर धीरे धीरे अगर जिस हिसाब से लोग पटौनी कर रहा उसी हिसाब से अगर खाद ले तो खाद सबको आराम से मिल जाएगा। एक ही दिन में सब लोग चाह रहा है कि हमको खाद मिल जाए इसी कारण से वहाँ पोही का स्थिति है। लोग आपस में मारपीट करने लग जाते हैं कि लाइन में आगे पीछे के चक्कर में जो है एक दूसरे का जो है एकदम खूनी संघर्ष करने लगते हैं। अभी मारपीट हो गई कैसे समझाएं आप लोग? अभी मारपीट हुई है मैक के माध्यम से इन लोगों को समझाया गया है कि रेट जो है खाद का कहीं ऐसा नहीं है कि बढ़ा हुआ है सब जो है जो सरकारी निर्देशानुसार सरकारी दर पर ही खाद लोगों को मिल रहा है। लोग जो है धैर्य के साथ लाइन में लगकर अपने बारी पर जो है खाद ले खाद का कोई कमी नहीं है। जिला से पर्याप्त आवंटन सुपौल जिला के निर्मली को मिला हुआ है और यहाँ पर निर्मली मरोना प्रखंड के सभी किसानों को खाद मिलेगा। कल जिसको पर्ची बटा हुआ वो किसान आज लाइन में लगकर खाद ले रहे हैं फिर कल कर पर्ची बटेगा उन किसान को फिर परसों खाद मिलेगा। दरअसल बिहार में खाद की मांग और आवंटन में बड़ा अंतर है इस वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच 2.30 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी। केंद्र से 1.49 लाख मीट्रिक टन डीएपी की सप्लाई की गई। बिहार की कुल जरूरत का 65% डीएपी मिल सका। 4.35 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी वहीं 3.27 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिल सकी। कुल मांग का 79% यूरिया मिल पाया। रबी सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन एनपीके की जरूरत है। केंद्र से बिहार को 72,000 मीट्रिक टन एनपीके मिला है। जरूरत के वक्त अगर खाद न मिले तो खेती चौपट हो जाएगी इसलिए किसान रत जगा कर रहे हैं धक्का मुक्की खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।